बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड्डी उकड़ू बैठी घुटनों को अपने हाथों से बांध अपनी झोपड़ी की टपकती छत देख रही थी और उसके नीचे रखा भगोना पानी से भर चुका था और वहीं पास बैठी गुड्डी की अम्मा चूल्हे पर खाना बना रही थी। अम्मा की नज़र भगोने पर पड़ी तो फौरन गुड्डी को बोला कि भगोना हटाकर बाल्टी रख दे और भगोने का पानी बाहर फेंक दे। 8 साल की गुड्डी मन मसोचते हुए उठी और पास रखी बाल्टी को भगोने की जगह रख दिया। गुड्डी अब अम्मा के पास आकर बैठ गई और कुछ सोच कर बोली, अम्मा ऐसा क्यों होता है कि गर्मी में तुम्हें दूर से पानी भरकर लाना होता है और जब बरसात हो रही है तो देखो पानी घर में भरे जा रहा है। अम्मा गुड्डी को अनसुना करते हुए अपने काम में व्यस्त होकर बोली, अरे हमें क्या पता बिटिया, हम कोई भगवान थोड़े ही हैं, ना हम इतना पढ़े हैं। माँ बेटी बात कर ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, अरे हमसे पूछो बिटिया, हम बताते हैं। गुड्डी ने मुड़कर देखा तो चहकते हुए बोली, अम्मा देखो मौसी आई हैं। अम्मा भी अपनी बहन को देखकर खुश हुई और बोली, अरे वाह दीदी, बड़े दिनों बाद आई, लेकिन इतनी बारिश में कैसे निकल पड़ी, आज स्कूल नहीं गई पढ़ाने। अपनी छतरी किनारे रखते हुए फिर गुड्डी की मौसी बोली, अरे स्कूल का कुछ सामान लेने निकले थे लेकिन बरसात तेज़ हो गई तो सोचा तेरे घर रुक लें। और फिर मौसी ने टपकती छत देखकर पूछा गुड्डी से, अब बता बिटिया क्या पूछ रही थी। गुड्डी ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, मौसी जब आसमान में इतना सारा पानी है कि आज हमें उसे फेंकना पड़ रहा है तो बाकी महीनों में क्यों नहीं मिलता पानी, पता है अम्मा को बड़ी दूर जाना पड़ता है पानी भरने। गुड्डी की बातें सुन मौसी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बिटिया तेरी अम्मा को दूर इसलिए जाना पड़ता है पानी भरने क्योंकि तुम लोग पानी को बचाते नहीं हो और देखो इसी वजह से गर्मी भी कितनी पड़ती है। सर खुजलाते हुए कुछ हैरान होकर गुड्डी बोली, पानी कैसे बचाएं मौसी, और पानी ना बचाने से गर्मी कैसे बढ़ती है। मौसी ने छत की ओर फिर इशारा करते हुए कहा, ये जो पानी टपक रहा है ना इसे उबाल कर पीने के काम लाओ, बाहर अपने खेतों पर मेड़ बनाओ, गांव में तालाब खुदवाओ और उसमें ढेर सारा पानी बचेगा, और तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर गांव में ढेरों पौधे लगाओ क्योंकि पौधे ना सिर्फ धरती में पानी रोकते हैं, हमें छाया भी देते हैं और साथ ही धरती की गर्मी भी कम करते हैं। मौसी की बातें सुन गुड्डी चहकते हुए आंखें फैलाकर बोली, सच में मौसी? और अब मौसी ने गुड्डी के गाल सहलाते हुए कहा, हाँ बिटिया सच में। और पास ही बैठी गुड्डी की माँ घुटनों पर कोनी टिकाए बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुनते सुनते किसी सोच में पड़ गई। तभी गुड्डी का ध्यान टपकती छत के नीचे रखे बर्तन पर गया और वो उसकी ओर बढ़ते हुए अनायास बोली, अरे अम्मा ये तो भर गया, दूसरा बर्तन दो। गुड्डी की बात सुन अम्मा का ध्यान टूटा और इससे पहले कि गुड्डी उस बर्तन को उठाती अम्मा उसे टोकते हुए बोली, गुड्डी पानी फेंकना नहीं, वो जो ड्रम खाली रखा है ना उसमें डाल देना। अम्मा की बात सुन गुड्डी उन्हें सवालिया नज़र से देखने लगी और मुस्कुरा कर अम्मा ने फिर मौसी को देखते हुए कहा, गुड्डी अब से पानी फेंकना नहीं बचाना है।